स्वागत करुच्छे आपको आईसीएस टिप्स रे मुझ प्रभात। तो देखो आज आम डिस्कसन करवा आपणकर टैक्स स्ट्रक्चर जो रहा कि आपंकर इंडिया ताको डिस्कसन करवा। तो देखो एथिरे आपंकर गोटे रु दुईटा क्वेश्चन मिनिमम तो आपंकर जेहेतु 30-40 मार्क आपंकर एग्जाम रहिबे सेतरे गोटे क्वेश्चन देखिबा मिलिबो। एवं जदि आपंकर मोर देन 50 रु अबव क्वेश्चन आसला माने जीके रे तो एथिरे 2-3 क्वेश्चन देखिबा मिलिबो। जेमति रहले कि आपंकर एएस रो तो जीएसटी रिलेटेड आपंकर गोटे रु दुईटा क्वेश्चन डेफिनेटली देखिबा मिलिबो। तो पूरा टिके नै करि आमे आको एनालाइज करि जेमति आपन माने आको कंप्लीटली बुझि पारिबे हला। तो फर्स्ट देखंथु कि आमे देखिबा कोन कोन आपंकर जो रहले कि जीएसटी को डिस्कसन करिबा। ता सहित आपन जो रहले कि इंडिया टैक्स स्ट्रक्चर रहले ताको डिस्कसन करिबा। टाइप ऑफ जीएसटी देखिबा, टाइप ऑफ टैक्सेशन आपनकर इंडिया को टैक्सेशन लागुचे ताको डिस्कसन करिबा। ए जोटि आपनकर देखंतु थ्योरी रहिबो ता सहित एमसीक्यू मध्ये रहिबो। ओडिसा गवर्नमेंट जदि आपन माने ओपीएसएल आ डबल एसएल आ ट्रिपल एस एग्जाम पई प्रिपरेशन करूछन्ति एटा आपनकर पई बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व आपन पई गोटे कमेंट वर्क, तो कमेंट वर्क कोन दे जोटा कि रहुछ आपनकर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मोर प्रत्येक वीडियो रे आपनकर देखिबा को मिलिजो गोटे एक्स्ट्रा क्वेश्चन एवं बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडा हम आपनकर प्रोवाइड करिथे। तो फर्स्ट कौन देखिए ना होने जीएसटी डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो जीएसटी डे आप इंडिया केवे सेलिब्रेटेड करा जाए राइट आंसर द कमेंट बॉक्स जाना मो तरफ मिलजो आप गोटे सुंदर हार्ट जो मैंने राइट आंसर प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन दे दीजिए 1 अप्रैल, 1 जनवरी, 1 जुलाई, 1 फरवरी। तो वीडियो स्टार्ट करने पूर्व आम आप छोटे इंपोर्टेंट अपडेट देवी। तो रिसेंटली मुझे अनअकाडेमी आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड करुच्छे, डिस्क्रिप्शन को विजिट करूँ से जगह आप लिंक मिलजो। तो आप मो क्लास को जॉइन करेंगे। मो क्लास प्रायत आपर 7:15 रोचे और आज आप गोटे मॉक टेस्ट रही है कि मैथ्र तो देखा गले लिंक को विजिट करूँ से जगह आप लिंक मिलजो। तापर जस्ट आपको आईसीएस टिप्स को सर्च करार अच्छी, सरी आपको आईसीएस टिप्स कोड को यूज करार अच्छे आपने फ्री में क्लास अटेंड करेंगे। ए जगह देखो आपको कही रखुच्छे अनअकाडेमी गोटे गोल ऑफर चली बर्तमान जोटा कि आपको 20% डिस्काउंट देखा मिल जाओ ओपीएससी सब्सक्रिप्शन उपर। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाओ और आईसीएस टिप्स कोड को यूज करूँ। आपको आईसीएस टिप्स कोड को यूज कले आपको 20% डिस्काउंट देखा मिल जाए। आप लर्निंग फेस्टिवल चली जोटा कि रोचे आपको 299 आपने 45 दिन प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं पारे जब आप क्लास 8-12 पर्यटन अच्छा आईआईटी जेईई मैं सब्सक्रिप्शन नहीं पारे और आप 45 डेज प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं पारे जोटा कि रोचे आप नेट यूजी नहीं पारे जोटा कि ऑफर आपको ओनली रोचे 23-30 पर्यटन रोचे। ओके तो फर्स्ट देखा कि आप टैक्सेशन इन इंडिया। तो टैक्स सिस्टम जो रहा कि आप टैक्स जो रहा तो इंडिया टैक्स विषय आम टे डिस्कसन करवा। देखो एक्चुअली जो टैक्सटा हूँ कौन फर्स्ट देखा कि टैक्सटा हूँ कौन। देखो छोटो छोटे जिनस बेस भी आपको बड़ बड़ कर तो टैक्स हूँ गोटे सोर्स ऑफ इनकम आ कि नुह। तो यहाँ हूँ आप देखो आप गोटे सोर्स ऑफ इनकम छोटो हीपे तो सपोज जड़े टीचर अच्छे तो तार सोर्स ऑफ इनकम छोटो कि जो गोटे कंट्राक्टर अच्छे तार सोर्स ऑफ इनकम अधिक अच्छे। तो ये जो टैक्स होता हूँ आप लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम कह रहा गवर्नमेंट सोर्स ऑफ इनकम हूँ कह रहा गवर्नमेंट गोटे लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम हूँ कि आप टैक्स टैक्स रु आप लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम से कलेक्शन करें। तो से कलेक्शन करें जदि टैक्सटा कलेक्शन अच्छे किसी तो आम जमी पैसा इनकम करुचे किसी बाटे खर्च कर इनकम करुचे कि किसी डेवलपमेंट आम निजर डेवलपमेंट आम खर्च करुचे। तो सेमती गवर्नमेंट जो टैक्स नौ से कौन कर ना गवर्नमेंट जो टैक्स नौ से आम नेशनल डेवलपमेंट सब सी यूज कर खाली देखो जो इंपोर्टेंट पॉइंट गुड़ा अच्छे मुझे रेलाइट कर देती बस ताक ही देखीदे आपको ओवरअल आईडिया आसीज और टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल यार पीडीएफ आपको मिल जाव बस आईसीएस टी सर्च कर आईसीएस टी टेलीग्राम सर्च करार अच्छे नचे डिस्क्रिप्शन को विजिट करूँ लिंक मिल जाए से जगह मत आपजिट करेंगे आराम से पीडीएफ पाइक रिविजन करें बुझे। आम जो इंडिया जो रहा कि टैक्स सिस्टमटा तो सही हूँ आप थ्री टायर फेडराल स्ट्रक्चर। तो थ्री टायर फेडराल स्ट्रक्चर हूँ कौन आपर ना देखो ये जो टैक्स स्ट्रक्चर आप कनसीस्ट हो क्या कहूँ के सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं कनसीस्ट हो स्टेट गवर्नमेंट को नहीं कनसीस्ट हो आपर लोकाल एमबी को नहीं कनसीस्ट हो लोकाल एमबी कहे कौन म्युनिसिपल बॉडीज को नहीं ये तो म्युनिसिपल बॉडी को एमबी कहे चलो किसी असुविधा नहीं है। तो ये जगह रही है आप सेंट्रल गवर्नमेंट आ रहा कि स्टेट गवर्नमेंट तापर से आप रहा कि लोकाल म्युनिसिपल बॉडीज को नहीं आप जो रहा कि थ्री टायरटा फेडराल स्ट्रक्चर क्रिएट हो इंडिया टैक्सेशनटा ए पर्यंत आपंकर किसी डाउट रहा ना आ भर जब किसी डाउट रही तो कहे डेफिनेटली कमेंट बक्स कहे कि सर मत ए पॉइंट बुझेल मुझे ट्राए करी कमेंट बक्स आपको डिटेल्स प्रोवाइड करने नेक्स्ट देखा कि टाइप ऑफ टैक्स इन इंडिया जोड़ा रही है ओल्ड सिस्टम अनुसार 2000 आपंकर तो 2017 मसीह आपको कौन लागू जाइए जीएसटी लागू जाइए तो पूर्व जोटा रही है आपंकर कौन टैक्स रोचे इंडिया डिस्कसन करवा सही धीरे धीरे मुझे जीएसटी को नहीं जी।
तो देखो आप इंडिया टैक्स दुई भाग विभक्त कराई गोटे हूँ डायरेक्ट टैक्स आउ गोटे हूँ इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हूँ कौन इनडायरेक्ट टैक्स हूँ कौन ताको पुणी देखा देखो डायरेक्ट टैक्स सपोज मुझे कहली कि आप कले कि राम आज जो हरि अच्छे गोटे जगह राम कौन कले ना डायरेक्ट हरि को पैसा देला हरीर पैसा दरकार था तो राम कहे राम तू मत पैसा दे हरी तो डायरेक्ट पैसा देला आउ जो मझे अच्छे श्याम तो हरी कौन कहला श्याम कहला कि श्याम मोर पैसा दरकार तू मत पैसा दे श्याम कौन कला राम ठार आ हरी को पैसा देला तो राम हरी को ये जगह फर्स्ट कंडीशन कौन है डायरेक्ट टैक्स पे कला कि सेकेंड कंडीशन श्याम थ्रो में पेमेंटा पे कर तो फर्स्ट को आम कौन कहे राम हरी को डायरेक्ट टैक्स दौर राम हरी को डायरेक्ट पैसा दौर कि सेकेंड स्टेज में कौन हो राम हरी को पैसा दौर कि इनडायरेक्टली पैसा दौर कनसेप्ट बुझेगा तो सिमिलरली ए जगह मुझे कहीपरि डायरेक्ट टैक्स हूँ कौन आप जोटा आपंकर इंडिविजुआल बॉडी है कि आपंकर कॉर्पोरेट हो तो सी कॉर्पोरेशन हो गला से डायरेक्ट कौन कर गवर्नमेंट को आज ए पे कर टैक्स हिसाब से कितु जो इनडायरेक्ट टैक्स देखो इच एंड एव्री इंडिविजुआल कथ कौन तो आप जेकोसी प्रडक्ट किणती तो से गोटे टैक्स देवा पड़ता है तो से टैक्स आप डायरेक्ट कौन देखो इनकम टैक्स जोटा रोच तो से डायरेक्ट नहीं कि भरुँच तो से डायरेक्ट टैक्स कितु जोटा कि रही है जेको गोटे प्रडक्ट परचेज करते प्रडक्ट पर टैक्स लगुच तो से टैक्स आप डायरेक्ट नहीं कि दौरान कि गवर्नमेंट को तो से इनडायरेक्ट हिसाब से जाऊँ तो बर्तमान देखा कि आम डायरेक्ट टैक्स क्या क्या कह इनडायरेक्ट टैक्स क्या क्या कह तो डायरेक्ट टैक्स हूँ आप इनकम टैक्स रहा वेल्थ टैक्स रहा आउ आप रहा कि कॉर्पोरेशन टैक्स रहा ये हूँ आप डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट सब टैक्स किए किए रहा आ ये जगह आप गिफ्ट टैक्स आसीज है तो ये सब हूँ कौन आप डायरेक्ट टैक्स जीव इनडायरेक्ट टैक्स किए आसो आप सर्विस टैक्स रहा कस्टम ड्यूटी टैक्स रहा एक्साइज टैक्स रहा लग्जरी टैक्स रहा वैट टैक्स रहा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स रहा जोटा कि हूँ आप स्टॉक एक्सचेंज मार्केट दि जाए तापर आप जो रहा कि स्टाम्प ड्यूटी रहा ये सब रोज कौन आप इनडायरेक्ट टैक्स तो ये टी मन रखिए जो आप जीएसटी जो लागू है तो सीटा कौ टैक्स लागू है गोटे सर्ट क्वेश्चन आसता है कौ टैक्स लागू होता है ना सीटा इनडायरेक्ट टैक्स लागू है जिते भी जीएसटी तो जीएसटी पाखापाखी आप 17 इनडायरेक्ट टैक्स को आपको काटिके जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन करा तो जीएसटी केमती लगे आम आगे डिस्कसन कर देखो जीएसटी हिस्ट्री गोटे अच्छे आम जीएसटी हिस्ट्री को डिस्कसन आप टाइम बहुत जीव आते फास्ट सिलेबस भी मे भी आप कवरअप न हो पाए आसवन भी परीक्षा तथापि मुझे एमसीक्यू बेसिस अलग के क्लासेस आप हिस्ट्री ऑफ जीएसटी को डिस्कसन कराई रखे है तो देन देखा कि आप देखो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स टैक्स रहा तो आपको पुणी आम फर्दर जो कह सेंट्रल टैक्स कह आपर स्टेट टैक्स कह तो देखो सेंट्रल टैक्स कौन ना जोटा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्शन करुच्छे आउ स्टेट टैक्स हूँ कौन ना जोटा आप स्टेट गवर्नमेंट कलेक्शन करुच्छे आपको एक्जाम क्वेश्चन देखा मिलता है कि निम्नतम मध्य कौटा आपंकर सेंट्रल टैक्स आउ कौटा आपंकर स्टेट टैक्स देती चार्टा अप्सन निम्नतम मध्य कौटा आप गोटे स्टेट टैक्स देखो तीन टाइप अप्सन से मैं कौटा गोटे सेंट्रल टैक्स तो देखो सेंट्रल टैक्स रोज आप कस्टम ड्यूटी टैक्स रहा सर्विस टैक्स रहा एक्साइज टैक्स रहा ये सब रोज कौन आप सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स सब किए किए रहा ये सब होते कौन आप इनडायरेक्ट टैक्स को नौ आप स्टेट टैक्स सब रहा आप लग्जरी टैक्स देखो सेंट्रल टैक्स आप जो इनकम टैक्स भी जीव सेंट्रल टैक्स हिसाब से बुझे तो मुझे ये जगह जहाँ भी नहीं सब आप इनडायरेक्ट टैक्स हिसाब से नहींचे तो लग्जरी टैक्स जीव वैट टैक्स तापर रहा कि आपंकर एंटरटेनमेंट टैक्स रहा टैक्स अन् आडवर्टाइजमेंट रहा मोटर व्हीकल टैक्स ये सब हूँ कौन आप स्टेट टैक्स तो मोटर व्हीकल टैक्स आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये आप गोटे एक्जाम आसाला कि जो रहा कि आप मोटर व्हीकल टैक्स रहा तो सहीटा हूँ गोटे कौ प्रकार टैक्स बुझेगा मो कथा ना बुझेलानी तो देखो बर्तमान मुझे कहूँ कि जो रहा कि आप कस्टम ड्यूटी टैक्स हूँ कौन देखो कौन गोटे जिनस इंपोर्ट होगा एक्सपोर्ट होपर लगुव टैक्स को आम कौन कौचे ना कस्टम ड्यूटी टैक्स कौचे सर्विस टैक्स रोचे तो आपस गोटे देखो आप नर्माल गोटे ढाबे खाइबे तो ढाबार आपट हूँ कम थी गोटे मिल खाइबे से ढाबार थी 40 टाँग वैर जब आम भुवनेश्वर गोटे पुष्पक होटेल कथ कह कि स्वास्तिक होटेल कथ कह कि मे फेयर कथ कह तो से जगह अभीयसली आप रेटा कौन हो बढ़ी जाए तो से जगह आम जो एक्सट्रा जो पे करुचे से आज ए सर्विस टैक्स हिसाब से पे करुचे बुझेगा मोचे ना बुझे तो एक्साइज टैक्स हो कौन आप प्रडक्शन टैक्स को आम कौचे तापर लग्जरी टैक्स जमी रहा कि आप लग्जरी आइटम पर जो आम टैक्स दौचे व्हाट व्हाट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट देखो व्हाट रिलेटेड मुझे सेपरेटली कहूँ गोटे कथ व्हाटा को बुझाया पड़ा आपको ओके ये कही रखुच्छे देखो व्हाट हूँ कौन तो व्हाट अर्थ हूँ कौन आप वैल्यू एडेड टैक्स यहाँ टे मन रखुद तो व्हाट आप जगह गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसो व्हाट रिलेटेड तो व्हाट आप इंडिया टैक्सेसन इंट्रोड्यूस कर
भाट को केबे इंट्रोड्यूस कराई थला ना फर्स्ट अप्रैल 2005 रे आपन भाट को इंट्रोड्यूस कराई थला। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मन रखु। तो जो रहा कि इंडिया जो इकोनॉमी सिस्टम रहा तो सेटा बेसिकली आप प्रोडक्शन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन आउ आपर कंजप्शन बेस रोचे। देखो भैल्यू आडे टैक्स अर्थ कौन कंपानी गोटे कौन कला गोटे प्रडक्ट तैयारी कत टाइम 10 टकर कंपानी कौन कर डायरेक्ट नहीं कि लोक बिकवानी तो दरकार कौन गोटे एजेंट दरकार कि होलसेलर दरकार कि रिटेलर दरकार तापर आम जाइए कंज्यूमर पाखे से जिनसा पहुँच। तो मुझ कौन कर 10 टका सपोज गोटे जिनस को कंपानी सपोज मुझे कंपानी कंपानी गोटे जिनस या 10 टका खर्च गला तो गोटे आसला कि एजेंट आसला जे नहीं कि माल को बिक अलग गोटे जगह। तो एजेंट कौन कर कंपानी कौन कर एजेंट को किसी लाभ रखी बिकव या सेमती बिकिदेव तो से कौन कला सपोज ये जगह 2 टका मुझ लाभ रखी बिकली 12 टकर बुझेगा जगह। तो एजेंट को जितने बिकला से जगह तार 2 टका लाभ भी होगा। एजेंट कौन कला होलसेलर को पुणी बिकव होलसेलर किसी लाभ एजेंट रि किसी लाभ दरकार एजेंट कले ओके मुझे 2 टका लाभ रखी 14 टकर कौन कल होलसेलर को बिकिदेली। होलसेलर कौन कला से रिटेल को पाखु जीव रिटेल को बिकव तो रिटेल को 16 टकर बिकला और रिटेलर फाइनली कंज्यूमर को आप 20 टकर बिकला। तो ये जगह देखो ये जगह जो प्रडक्ट आप 10 टका खर्च होता तो फाइनल केत टकर बिका हो 20 टकर हिं बिका हो तो केते टाँगा अधिक लगे पाखापाखि 100% एक्स्ट्रा भैट लगे लगे आसू भैल्यू आडेड टैक्स भैल्यू आडेड टैक्स गोटे प्रडक्ट पर ऑटोमेटिक भैल्यू लगे 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 तो प्रडक्टर रेट बढ़ीगला। तो ये जगह देखो कि कंपानी केते टाँगा पाउछे ना कंपानी 10 टकर 2 टका लाभ पाइला कि ओवरअल जो देखिए कि प्रडक्ट टोटाल केते टाँगा लाभ हो जाए ना टोटाल प्रडक्ट पर 100% लाभ हो। तो आपको देखिए आप कौन लॉन्च कराला जीएसटी को लॉन्च कराई। तो देखो या पूर्व आम आउ गोटे जिनस देखा मेथड अफ टैक्सेसन को देखा तो जोटा कि रोचे आप तीन टाइप रही गोटे रोचे आप प्रोग्रेसीव टैक्सेसन गोटे रोचे आप रिग्रेसीव टैक्सेसन आउ गोटे हूँ प्रोफेसनाल टैक्सेसन है। तो प्रोग्रेसीव टैक्सेसन हूँ कौन देखो आपणकर बर्तमान जो इंडिया कथा कह कि आपंकर अलरेडी अच्छे गोटे फिक्स अमाउंट आम पे करुचे इनकम टैक्स हिसाब से। तो जो मानक जीरो रोचे आप 2.5 लाख भितर से किसी पे करवा पड़ोनी इनकम टैक्स। तो जिते आपंकर अधिका इनकम रहइबो तो आपको सेते इनकम टैक्स अधिका पे करवाक पड़ो परसेंटेजा अधिका पे करवाक पड़ो। तो यहीटा हूँ कौन आप प्रोग्रेसीव टैक्स। तो प्रोग्रेसीव टैक्स हूँ कौन आप टैक्सटा इनक्रीज रहा तो आप जो टैक्स रेटा इनक्रीज रत जो आप टैक्स पेयर इनकमटा बढ़ो है प्रोग्रेसीव टैक्स हूँ कौन आप जितेबाला टैक्स पेयर जी टैक्स पे कर तार इनकमटा बढ़े ताल तार टैक्स रेटा भी बढ़ो। तो एक्जामपल हिसाब से यह जगह देखिए यहाँ एक्चुअली गोटे वन टाइप अफ एक्जामपल मुझे है ना। तो सपोज गोटे लोकर देखो 2 लाख रु 2.5 लाख भितर इनकम हो तो सी के टैक्स दूसरी ना 10% तो से हिसाब से जितने बढ़ी बढ़ी जाऊँगी तो टैक्सेसन टाइप आप कौन हो बढ़ी बढ़ी जाऊँ। तो यही टाइप जो टैक्स आम कौन हो प्रोग्रेसीव टैक्स कहे रिग्रेसीव टैक्स हूँ कौन तार ओल्टाटा तर उल्टाटा उल्टाटा कौन ना देखो आप टैक्स डिक्रीज हम के ना जो आप इनकमटा इनक्रीज हम देखो जे कम इनकम कर से अधिक टैक्स दब जे अधिका इनकम कर से कम टैक्स दब आपको आम कौन कहे रिग्रेसीव टैक्स बुझेगा। कितु प्रोपोर्शनल टैक्स हूँ कौन ना देखो आपंकर इनकम कम हो कि अधिका हो आप गोटे फिक्स अमाउंट टैक्स पे करा पड़ो समस्त को सेम अमाउंट टैक्स पे करा पड़ो। देखो ये जगह रिग्रेसीव टैक्स कौन होता ना आपंकर जी 2 रु 2.5 लाख 5 लाख भितर इनकम कर 30% से 20% ये 10% दूसरे कितु ना ओवरअल समस्त गोटे फिक्स अमाउंट अफ टैक्स रोज सपोज 20% रे हूँ आप कौन कह प्रोपोर्शनल टैक्स कह ओवरअल बुझेगा जगह ना आज डाउट रहा तो बर्तमान देखा आम जीएसटी को देखा। तो जीएसटी हूँ कौन ना जीएसटी हूँ आप जीएसटी देखो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी फुल फॉर्म कौन रहा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहीटा आप गवर्नमेंट द्वारा लेट कर जाए। तो देखो ये जो आपंकर जीएसटीटा रोच जीएसटी आप रिसेंट कही तो यहाँ हूँ कौ टाइप टैक्स गोटे ना यहाँ हूँ आप इनडायरेक्ट टैक्स रोच तो जोटा कि पाखापाखि 17 टाइप इनडायरेक्ट टैक्स को बंद करके बदल आम जीएसटी को लॉन्च करे। तो ये जीएसटी आप लॉन्च करागला केते नंबर आक्ट आ केते नंबर बिल अनुसार आस जो अमेंडमेंट आक्ट गुड़ाक अच्छे आमर तो केते नंबर अमेंडमेंट आक्ट आई है जोटा कि रोचे आप 101वां अमेंडमेंट आक्ट 2016 मसीह आई है और फाइनाल ये आप 1 जुलाई 2017 ये आप लागू कर। तो आप जो कमेंट जो क्वेश्चन पचार एक्सट्रा क्वेश्चन पचारी कि आप जीएसटी जीएसटी केबे ठारो को इंडिया रे लागू होई छ बा जीएसटी डे केबे पालन करा जाय थे। तो जीएसटी आपन लागू होई छ 1 जुलाई 2017 लागू होई छ तो हमें सब बेले कोन करे 1 जुलाई को आज जीएसटी डे हिसाब रे सेलिब्रेट करे।
तो देखो जदि आपको आक्ट पचारा अमेंडमेंट आक्ट पचारा तो सीटा होगा आप 101 अमेंडमेंट आक्ट जदि आपको पचारा कि अमेंडमेंट बिल कौन देखो सब बिल आप आक्ट में परिणत हो नए ये दुईटा आपको कन्फ्यूज कर जदि भी एक्जाम बिल कथा पचारा से 122 अमेंडमेंट बिल जदि पचारा कि कौ आक्ट रहा हूँ आप 101 आक्ट अमेंडमेंट आक्ट दुटा को पूरा डाउट क्लियर है। ओके तो जीएसटी देखो जीएसटी कौन है कि मुझे कहली कि आप 17 प्रकार इंडायरेक्ट टैक्स को हटे आप जीएसटी को लॉन्च कराला कि जीएसटा आप सबू प्रडक्ट पर लागू करा जाऊ सब प्रडक्ट पर लागू करा जाऊ जमी रहा कि आप पेट्रोलियम प्रडक्ट रहा अल्कोहल प्रडक्ट रहा यापर जीएसटी लागू करा जाऊ देखो पेट्रोलियम प्रडक्ट जब मुझे पेट्रोलियम प्रडक्ट आज एक्जामपल हिसाब से कहूँ पेट्रोल को नौ आज एग्जांपल हिसाब से पेट्रोल को नौ तो से आपशा कथ जी कह तो ओडार जो रहा कि आप स्टेट गवर्नमेंट जो रहा तो सी पाखापाखि आप 24.98% आप चार्जेस करता है जोड़ा हो भाट चार्जेस करता है आप जो रहा कि एक्साइज ड्यूटी आप जो रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो चार्जेस करता है तो सही आप 30-35% भितर चार्जेस करता है तो ओवरअल जब मिसाई दे पाखापाखि आप 57% ना पेट्रोल दूसरे देखो जदि आमर कि जो रहा कि जीएसटी सब रोचे आप जीएसटी स्लाब सब रोचे 0% 5% 12% 18% 28% ये टाइप आम जीएसटी सब स्लाब रोचे तो जदि ये सब प्रडक्ट उपर पेट्रोलियम प्रडक्ट उपर आप जीएसटी लगेगा तो ये मैक्सीम 28% इनकम कर ये जो 28% पुणी आप गोटे इनकम होती को आम दी भाग करुचे तो देखो गोटे रही आप सी जीएसटी आगे आम डिस्कसन करवा आउ गोटे रही एस जीएसटी तो इथे रोच आप 14% रही है सी जी एस टी 14% रही है एस जी एस टी तो से ही पैसा जब पेट्रोल लगे तो गवर्नमेंट तो अलरेडी इनकम कर 57% ना तो से कौन आणव जी एस टी भितर तो यहाँ एक्चुअली प्रायत राज्य मैंने मना करते ये जो जी एस टी लंच करापी देखो जी एस टी जो लंच होती तो से आकचुअली जिते भी सब आप प्रडक्टिविटी जो रही कि आप देखो आमर गुजरात रहा तो ये सब एरिया सब कौन प्रडक्शन अधिका जे कौन फैक्ट्री फैक्ट्री हुए से जगह अधिका थाए तो से विरोध करते ना आमर जो जी एस टी इम्प्लीमेंटेसन होना है ना तो जिते सब प्रडक्ट जमी रहा कि आप गुजरात रहा तो जिते आप पश्चिम तट रहा है ना तो सेपटे सैड तक तो सी तो अधिक डेवलप करना कौन पाए ना आप जो प्रोडक्टिविटी फैक्ट्री पाए तो आप जो इंटीग्रेटेड जीएसट कह रिलेटेड बुझे रखे तो से सब कौन करते मना करते तो से कौन है आप फाइनाल जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन होपर आम आगे डिस्कसन करवा टाइप अफ जीएसटी डिस्कसन करेंगे व्यस्त हूँ तो ये जो रही कि आपको कि जीएसटी सब टैक्स स्लाब जो रहा कि 0% 5% 12% 18% 28% तो आपको तो किए गए फिक्स कर मन इच्छा अच्छे किए गए फिक्स कर फिक्स कर सी किए सी हूँ आप जीएसटी काउनसिल जीएसटी काउंसिल देखो ये जो जीएसटी काउंसिल हेड किए ना आप फाइनेंस मिनिस्टर ये जो रहा कि आपंकर जीएसटी काउंसिल तो जीएसटी काउंसिल आप कितने मेंबर रहिबे ना ये 33 जन मेंबर रहिबे तो से आप दुई जन रहिबे कौन सेंटर रहिबे आउ जो 31 जन जो रहिले से आप 28 जन स्टेट रु रहिबे एवं 3 जन आप यूनियन टेरिटरी जो आप विधानसभा रही से रहिबे एहिपर हिसाब से आप टोटल मेंबर अफ जदि आप क्वेश्चन पचारा कि जीएसटी काउंसिल केते मेंबर अच्छा टोटल मेंबर अफ जीएसटी काउंसिल के 33 मेंबर बुझेगा ताहले तापर गोटे क्वेश्चन आसपे कि हेड किए करती यार हेड किए जीएसटी काउंसिल हेड किए प्राइम मिनिस्टर कि होम मिनिस्टर कि आरबीआई गवर्नर कि फाइनेंस मिनिस्टर ए रिगार्डिंग क्वेश्चन देखा मिले तो जदि एमती पचारा तो सब बेले आप जानते जीएसटी काउंसिल हेड किए रोचे ना आपंकर फाइनेंस मिनिस्टर किए आप फाइनेंस मिनिस्टर आप गोटे क्वेश्चन कह नीति आयोग तो बर्तमान मत कमेंट बक्स जनइबे कि नीति आयोग हेड किए है डेफिनेटली कमेंट बक्स जनपर देखो ये जगह आ गए बढ़िया इंपोर्टेंट पॉइंट रही है आप कौन इंपोर्टेंट पॉइंट ये देखो ये जो जीएसटी काउंसिल काम कौन ना जेकोसी रही कि आप गुड सर्विस किसी रिविजन हो मैं किसी चेंजेस आसो कि रूल को लगे ये सब दायित्व कहार ना जीएसटी काउनसिल जीएसटी काउनसिल इज रेस्पन्सिबिलिटी फर एनी रिविजन और एनाक्टमेंट और एनी रेट चेंजेस अफ द गुड्स एंड सर्विस इन इंडिया यहाँ हूँ आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट तो जीएसटी काउंसिल होची ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी आप जो जहाँ भी चेंजेस आसो कि रूल जो लगे रेस्पॉन्सिबिलिटी किए आप जीएसटी काउंसिल कहाँ अंडर ये सब होता है ना जीएसटी काउंसिल अंडर होता है आप ऑप्शन भी देव नीति आयोग कि आरबीआई कि जीएसटी काउंसिल ये सब आपंकर ऑप्शन तो आपण मैंने छोटो छोटो पॉइंट को मार्क करातु मुझे जमी लिखी वन्स आपने पढ़ीदेले आप एक थर मन रही वीडियो को वन्स शुणी रिविजन करदे भी आप मन रही।
देखो मुझे जो कहली कि आप जो सब लगी जो टैक्स तो ये जो रही कि जीएसटी काउंसिल रहा तो सी सब भिन्न भिन्न प्रडक्ट भिन्न भिन्न टैक्स सिस्टम करें तो किसी प्रडक्ट जो जीरो परसेंट टैक्स रोचे किसी प्रडक्ट रोज फाइव परसेंट टैक्स रोचे किसी प्रडक्ट रोज ट्वेल्व परसेंट रोचे किसी प्रडक्ट रोज एटीन परसेंट रोचे आउ ट्वेंटी एट परसेंट आपर कौन देखा मिलूँ टैक्स देखा मिलूँ तो ये हूँ ओवरअल जमी रहा जोड़ा देखो जो जिते अधिक नेसेसरी थी तादी से प्रडक्ट जीरो थी जमी देखो मिल्क देचे वाटर मिल्क देखिए पूरा कौन नील अच्छे टैक्स पूरा नील अच्छे कितना आम वेयर हाउस देखा कि देखो धीरे धीरे जिते आम हाई प्रडक्ट जिते आम कौन लक्जरी प्रडक्ट जी से आम कौन हो टैक्सेस बढ़ी बढ़ी जमी रहा कि जगह देखो च्युंगम रहा चॉकलेट रहा तो ये सब रोच कौन आप ट्वेंटी एट परसेंट टैक्स देखा मिलूँ है देखो ये हूँ ओवरअल आपको ओवरअल पढ़ीदे आपंकर मन रही है कौन थे कौन लगुच जापर देखिए बर्तमान आप टाइप अफ जीएसटी देखो बेसिकाली आप देखिए कि प्राय तीन टाइप रही था गोटे हूँ आप सी जी एस टी गोटे हूँ आप एस जी एस टी गोटे हूँ आप आई जी एस टी आउ गोटे हूँ ये तीन टाइम हूँ अधिका इंपोर्टेंट देखो एस जी एस टी जहाँ यू जो रहा कि यूनियन टेरीटरी जी एस टी से है यूटी जी एस टी से सीमिलारटे कारण देखो ये जो स्टेट जी एस टी आपड़ लगुच ना जो आप स्टेट लगुच आउ यूनियन टेरीटरी टैक्स कौट लगुच ना यूटी आप लगुच बुझेगा तो ये जो मुझे कहली कि आप जो लगेगा कि टेन परसेंट लगे कि जीरो परसेंट लगे फाइव परसेंट लगे ट्वेल्व परसेंट लगे एटीन परसेंट लगे ट्वेंटी एट परसेंट लगे ये एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट अलग सेंट्रल गवर्नमेंट अलग एमती नुहे तो ये जो रहा कि आपंकर ट्वेंटी एट परसेंट देखो ये जो रहा कि आपंकर सी जी एस टी रहा एस जी एस टी रहा आई जी एस टी रहा तो सबुरी मूल्य आपंकर सी जी एस टी ही रही है जो अठर परसेंट टैक्स लगेगा सपोज से नाइन परसेंट रहा कौन सी जी एस टी आउ नाइन परसेंट रस जी एस टी सेमती सपोज सेंट्रल यूनियन टेरीटोरी लगेगा एटीन परसेंट गोटे कौन प्रडक्ट टैक्स लगेगा कि ट्वेंटी एट परसेंट रहा से फिफ्टी फोर्टीन परसेंट रहा सी जी एस टी आउ फोर्टीन परसेंट रहा आप एस जी एस टी ए सरी यूटी जी एस टी बुझे आगे मुझे आहरी क्लीयर करी देखो सेंट्रल जी एस टी हूँ कौन ना जोटा कि आप जो जी एस टी आप लेट कर किए कर सेंट्रल गवर्नमेंट करुच्चे तो सी देखो आप जेको यूनियन रो जेको स्टेट रो जो भी हो जेको गुड्स अफ सर्विस पर जो टैक्सटा कलेक्शन कर सी किए कलेक्शन कर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कर सेंट्रल ये कर कलेक्शन कर तो ये जो सी जी एस टी लगेगा तो सी क्या रिप्लेस कला कौ कौ टैक्स हम इनडाइरेक्ट टैक्स को सब रिप्लेसमेंट करे जोटा रोचे आप सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी रहा तापर सीट आप सेंट्रल सेल टैक्स रहा कस्टम ड्यूटी रहा तापर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी रहा ये सब टैक्स को कौन कर रिप्लेस कर सी जी एस टी तापर देखा कि आपंकर स्टेट जी एस टी तो स्टेट जी एस टी जोटा रोचे आम एस जी एस टी कौ तो देखो स्टेट जी एस टी अर्थ कौन गोटे हूँ आमर सपोज मुझा कथ कौन तो आम ओडा सपोज किसी गोटे प्रडक्ट तैयारी होवं से ओडा भितर ही तार व्यवहार होार डिस्ट्रब्यूशन से ओडा भितर हो तो ऊपर जो टैक्स कलेक्शन रो ताऊपर जो टैक्स कलेक्शन रे रखा स्टेट गवर्नमेंट रख तो देखो स्टेट गवर्नमेंट केमती रख सपोज मुझे कहली कि एटीन परसेंट जी एस टी रहा तो से स्टेट गवर्नमेंट रख नाइन परसेंट आउ सेंट्रल गवर्नमेंट को दबा नाइन परसेंट ओवरअल ये कंडीशन बुझेगा तो देखो ताले ये आप लगेगा स्टेट जी एस टी जो लगेगा तो सी आप क्या लगेगा आपको भैट को काटला लग्जरी टैक्स को काटला एंट्री टैक्स को काटला एंटरटेनमेंट टैक्स लगेगा ये सब टैक्स बदल आप लगेगा स्टेट जी एस टी टैक्स लगेगा तो से आप एक्जाम बेले बेले क्वेश्चन दिए ना तो एंटरटेनमेंट टैक्स आप कौ टाइप टैक्स स्टेट टैक्स किए सेंट्रल टैक्स किए आप दे टाइप टैक्स दे ना बुझेगा तो ये जगह ना आज किसी डाउट रहा से हिसाब से देखा कि इंटीग्रेटेड जी एस टी कौन बुझेगा तो ये जो रहा कि इंटीग्रेटेड जी एस टी कौन तो देखो इंटीग्रेटेड जी एस टी ए जगह टी अधिका मुझे जो कहले कि आम जो पश्चिम तट जो रहा कि आप गुजरात रहा मध्यप्रदेश रहा गुजरात महाराष्ट्र ये जो सब जो एरिया रहा मध्यप्रदेश भूल कहीदे गुजरात महाराष्ट्र से सब एरिया जो रहा तो से जगह प्रोडक्टिविटी अधिका तो से जगार आप गोटे सपोज गोटे फैक्ट्री रहा तो सी कौन कला प्रडक्ट को उत्पादन करी से तार भितर सीना प्रडक्ट को यूज कर तो जहाँ भी टैक्स मिले सी निजे रखिपार कि सी सब प्रडक्ट कौन करुँच ना आमर ओडा पठेला कि दिल्ली पठेला कि आमर आंध्रप्रदेश पठेला तो से जगह पठेला तो ये जगह कौन हो ना आमर इंटीग्रेटेड जी एस टी लगुच तो देखो जेहेतु आप कौन कराला ना ये जगह गुजरात आप गोटे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री रहा तो से ए जगह कौन करेको गोटे प्रडक्ट को उत्पादन करुचे तो ए जगह कौन हम जेहेतु से प्रडक्ट उत्पादन करुचे ए जगह तार एम्प्लॉयमेंट बढ़ला से निजुक्ति देला लोक को तो
ये जो टैक्सटा कौन हम ना आपको सपोज 14% लगेगा टैक्स आप 18% टैक्स लगेगा तो ये जो 18% टैक्स लगेगा तो जो जगह आप कौन कर प्रडक्ट को सेल कर जो जगार आपको प्रडक्ट को सेल कर जोटा कि आम कहे डेस्टिनेसन टैक्स कहुए जो जगार आपको प्रडक्ट को सेल कर सपोज मुझे कहली ओडार मो प्रडक्ट को सेल कर तो ओडार जेहतु सेल कराला तो 18% आपंकर सेन्टर नहीं 9% आउ जो रहा 9% तो जो जगार प्रडक्टा सेल कराला से जगार आपको 9% टैक्स से गवर्नमेंट को मिलजो बुझेगा। यूनियन टेरिटरी टैक्स बिल्कुल सेम टैक्स देखो स्टेट टैक्स जहाँ यूटी जीएसटी से बिल्कुल सेम से जगह स्टेट जगह खाली यूनियन टेरिटरी लगे आउ किछ ना बुझेगा। तो बर्तमान आम कौन करवा कि एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कसन करवा देखो जदि आपको ए पर्यंत सब कनसेप्ट बुझे तो भिडियो गोटे लाइक करेंगे सांग मैंने सेयार करेंगे देखो आम जो सब क्वेश्चन डिस्कसन करवा ना तो जदि आप भलसे बुझी जाइए ना तो आधे मुझे जहाँ भी क्वेश्चन डिस्कसन करी आप आंसर 15 क्वेश्चन नहीं 15 क्वेश्चन आप पूरा 15 राइट आंसर करेंगे। तो जो रहा कि आपंकर व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज जीएसटी तो जीएसटी आपको गोटे कौ टाइप टैक्स देखिए आप डायरेक्ट टैक्स कि इनडायरेक्ट कैश टैक्स कि डिपेंड्स अपन टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस या नन ऑफ द अबव तो ये हूँ कौन आप गोटे इनडायरेक्ट टैक्स ये हूँ कौन आप गोटे इनडायरेक्ट टैक्स ऑप्शन बी हो रहा। बर्तमान देखा कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखो ना हु इज द हेड ऑफ द जीएसटी काउंसिल तो जीएसटी काउंसिल आपंकर हेड किए ऑप्शन ए दीजिए शक्तिकांत दास अमित शाह निर्मला सीताराम आउ नरेंद्र मोदी तो मुझे आपको रिसेंटली कौन कहली जीएसटी काउंसिल हेड किए ना जीएसटी काउंसिल हेड होती आप फाइनेंस मिनिस्टर तो देखो आपंकर निर्मला सीतारमण अच्छा तो से जगह मुझे निर्मला सीतारमण को चूज करी तो जदि आप पांच वर्ष पर आउ किए थी तो आप जी फाइनेंस मिनिस्टर थी ताको ही चूज करेंगे तो सब किए आप जो रहा कि जीएसटी काउंसिल हेड किए था ना फाइनेंस मिनिस्टर ही था देन देखा कि आपंकर नेक्स्ट तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स हैज बीन अबोलिश बाय द जीएसटी तो जीएसटी द्वारा निम्नतम कौ टैक्स अबोलिश कराइला तो देखो फर्स्ट मुझको जानी टी आपके आप्लिकेसन बेस्ट क्वेश्चन रही है ना तो देखो जीएसटी टा आपणकर क्या हटे लगता ना जिते इनडायरेक्ट टैक्स थी तो मुझे जगह फाइंड आउट करार अच्छे कि मो ए जगह भितर इनडायरेक्ट टैक्स किए अच्छे तो इनकम टैक्स मोर डायरेक्ट टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स मोर डायरेक्ट टैक्स वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स तो सर्विस टैक्स हूँ मोर इनडायरेक्ट टैक्स तो क्या आबोलीश कराइला ना सर्विस टैक्स को आबोलीश कराइल जोटा कि ऑप्शन ए हो राइट आंसर देन देखा कि नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखो ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर टैक्स अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया तो निम्नलिखित मध्य को गुड्स पर आप जीएसटी लगुचे बस एति पचारे सीएनजी रहा लिक्विड रहा पेट्रोलियम रहा आउ गोल्ड ज्वेलरी रहा तो आप जीएसटी क्या उपर लगुचे देखो सीएनजी आउ पेट्रोलियम सब रहा आप पेट्रोलियम गैस पर जाऊँ पेट्रोलियम प्रडक्ट पर जाऊँ लिक्विड तो आपको अल्कोहलिक जाऊँ तो ताऊपर भी लगुन जोटा कि आप ह्यूमन कंजम्पशन यूज कराए से आप जीएसटी लागू हुए ना तो क्या पर लागू हुए आप गोल्ड ज्वेलरी पर लागू हुए ऑप्शन डी हो राइट आंसर बुझे तो देन देखा कि नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप जो रही कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपे इम्प्लीमेंट कराइला इंडिया तो केवे इम्प्लीमेंट कराइला ना 1 जुलाई 2017 ऑप्शन बी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा व्हिच वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द जीएसटी बिल देखो ये जगह बढ़िया क्वेश्चन आसला तो फर्स्ट टाइम पर आपंकर इंडिया कोई स्टेट जी कि जीएसटी बिल को पास कर तो सी हूँ कि आपंकर आसाम तो जो जीएसटी एमटा कौन मुझेडी आप बुझे सारी टी मुंड कटेबे ना खट मुंडिया बदल आपर आंसर करेंगे तो देखो टी डाउट डबल हो जाए तो देखो यार राइट आंसर ऑप्शन डी हो अवॉइड रिपीटेड पेमेंट ऑफ अ टैक्स फ्रॉम ए रॉ मटेरियल स्टेज टू द फाइनल प्रोडक्ट दस द रिडक्शन द बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन द फाइनल प्रोडक्ट तो देखो ये हूँ कौन आप टैक्स बर्डन घटेबाई जब मुझे कहली आप गोटे प्रडक्ट आसे 10 टका तीन 10 टका से फाइनाल बिक्री हम कितने टाँग हो आपंकर कहली कि 100 टका हो गला 20 टका हो गला तो ये सब टैक्स को कम करने आप कौन ना जीएसटी को इम्प्लीमेंटेशन कर राइट आंसर कौन हो ऑप्शन 4 हो राइट आंसर। देन देखा कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखो ना तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो ये जो रहा कि आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स देखो ये जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी गोटे हिस्ट्री रही तो फास्ट कौन आप देखो 1999 जो रहा के अटल बिहारी वाजपेयी रहा तो सी कौन कर फास्ट आपको चाहते कि इम्प्लीमेंटेशन करने तो से कौन करते ना तीन जन जो रही कि आपंकर आरबीआई फॉर्मर जो गवर्नर रे है आरबीआई फॉर्मर तीन जन गवर्नर रे गोटे से मीटिंग चलते मैंने नहीं गोटे कमिटी ये करते जी रोचर सी
रांगराजन आपंकर मन ना मुझे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास रे जो रहा कि आप हिस्ट्री ऑफ जीएसटी जो रहा डिस्कशन करदेव एमसीक्यू बेसिस करदे तो सीटा फास्ट आप अटल बिहारी वाजपेयी करते हैं आपको पी चिदम्बर भी आनी जो रहा कि आप कांग्रेस टाइम आनी फाइनली आपंकर जो रहा कि आपंकर भारतीय जनता पार्टी जो रहा कि आप बीजेपी सरकार ही आपको इम्प्लीमेंटेसन करता है तो तार रिगार्डिंग आम सेपरेट भिडियो डिस्कसन करवा तो ये जो रहा कि आप जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो रहा प्रपोज कर टैक्स फोर्स प्रपोज करता तो तार हेड के यहाँ मत आपको भेरी भेरी इंपोर्टेंट तो यार मॉडल कार जमी आम पढ़ुते कि जो रहा कि आपंकर फाइव इयर कमिशन जो पढ़ुते तो फास्ट हूँ मॉडल सेकेंड मॉडल कहार हार्द दामोदर मॉडल कौन ये जो सब आम पढ़ुते सेमती ये जो रहा कि आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो प्रपोज होता तो सी क्या टैक्स प्रपोज कराइला ना विजय कलेक्टर ऑप्शन ए हो रहा राइट आंसर पूरा पूरी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करुच्छे देन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते देखो इनकम टैक्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया तो मुझे कहली फास्ट्रु तो इनकम टैक्स हूँ आप इंडिया सबुठ मोस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया तो इनकम टैक्स इज कौन तो सी जो इनकम टैक्स हूँ कौन आप डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल जो रही कि मेथड ऑफ कहली जो मेथड ऑफ टैक्सेशन तो डायरेक्ट आउ प्रोपोर्शनल रहा ना इनडायरेक्ट आउ प्रोपोर्शनल रहा ना डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव रहा ना इनडायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव रहा तो देखो आप जो इनकम टैक्सटा फास्ट मतलब कौन कहते डायरेक्ट टैक्स ना इनडायरेक्ट टैक्स तो इनकम टैक्स हूँ मोर डायरेक्ट टैक्स तो मोर ऑप्शन सी हे ना ऑप्शन ए हे सेटा गोटे प्रोपोर्शनल ना प्रोग्रेसिव प्रोपोर्शनल कौन होचे ना आपंकर इनकम टैक्स इंडिया समस्त फिक्स ना समस्त अलग अलग फर्स्ट एति मत कहत ना सर इनकम टैक्स आम इंडिया रे जी कम इनकम कर तार कम इनकम टैक्स जी अधिका इनकम कर तार अधिका इनकम टैक्स तो सीटा हूँ कौ टाइप सिस्टम रहा कौ टाइप रहा टैक्सेसन रहा ना आपंकर प्रोग्रेसिव टैक्सेसन रहा तो यहाँ हूँ कौन ऑप्शन सी है राइट आंसर देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स और सेस इज लेड बाय द स्टेट ऑफ इंडिया तो निम्नलिखित मध्य आपंकर कौ टैक्स कौ सेसटा जो रहा कि स्टेट द्वारा कलेक्शन कराए तो सीटा कहूँ कौटे देखो मुझे टैक्स ऑन मोटर व्हीकल ये आप गोटे एक्जाम आसाला ऑप्शन ए हो राइट आंसर तो टैक्स ऑन होटल जो रही है सर्विस टैक्स हिसाब दूसरे एजुकेशन सेस जो दूचे टैक्स ऑन वेल्थ जो ये सब हूँ कौन आप सेंट्रल टैक्स ना तो ऑप्शन ए हो रहा राइट आंसर देन देखिए कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन टी आपर इंपोर्टेंट रही है ए जगह मुझे गोटे जिन छाड़ जाती डिस्कसन करेंगे ना व्हिच वाज द फर्स्ट कंट्री इंट्रोड्यूस द जीएसटी इन जीएसटी इन इट्स सिस्टम तो फर्स्ट को कंट्री आप जीएसटी को सिस्टम रे फर्स्ट इंट्रोड्यूस करथिला से होची किया फ्रांस ऑप्शन टू हो राइट आंसर तो फर्स्ट फ्रांस आप इंट्रोड्यूस करथिला वर्तमान सुधा पाखापाखि 160 कंट्री निज सिस्टम रे जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर सारे किंतु जो रहा कि आम जो इंडिया रहा तो इंडिया जो रहा कि आपंकर जो जीएसटी रहा तो सीटा क्या बेस कर को कंट्री को बेस कर रही ना कानाडा को यहाँ पूरा मन रखि था इंडिया जीएसटी सिस्टमटा क्या बेस ना कानाडा को तो ये जो टैक्स फोर्स हेडेड किए थे ना आपंकर विजय कलेक्टर थे तो फास्ट किए इंट्रोड्यूस करता ना फ्रांस करता कौ स्टेट इंडिया फास्ट इंट्रोड्यूस करता ना आसाम करता गोटे लाइन में कहे मन रहा ना मन रही जदि मन रहा वीडियो को लाइक कहीं करना वीडियो सर बस लाइक कर टे सेयार कर तो देन देखा कि आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखो ना व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी विल डिसाइडेड द रेट टैक्स फॉर द गुड्स एंड सर्विस अंडर द जीएसटी टैक्स तो जो रहा कि आपंकर जीएसटी जो रहा कि आपंकर किए निर्धारण करें को फॉलोइंग बॉडी आप निर्धारण करें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देती फाइनेंस कमिशन देती नीति आयोग देती आउ जीएसटी काउंसिल देती किए देता है जीएसटी काउंसिल देता है ऑप्शन डी हो राइट आंसर जीएसटी काउंसिल आप कत मेंबर था 33 जन मेंबर था 2 जन आपन सेंट्रल था 28 जन स्टेट रू था 3 जन आप यूनियन टेरिटोरी था यार हेड किए यार हेड होती आप फाइनेंस मिनिस्टर जी होती आप निर्मला सीतारमण अच्छा तो आज लास्ट क्वेश्चन एवं टिके ट्रिकी क्वेश्चन अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे आप नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन डिस्कसन करवा व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज डन टू पास द जीएसटी बिल जीएसटी बिल को पास करने आपंकर को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता 101, 120, 122, 115 यार आंसर डेफिनेटली कमेंट बॉक्स जनातु जदि आपको भिडियो भल लगी आपंकर सुंदर सुंदर कमेंट रे भिडियो रे भरी दिंतु आ जदि किसी भी असुविधा अच्छे कि भूल हो ट्राए करी करेक्शन करने आई थिंक ऑल द डाटा मो विकिपीडिया एवं आपंकर ब्रिटानिकारो कलेक्शन करुचे बहुत पिला मन में डाउट रोचे आपे मतलब फॉलो करके पढ़ी पारे किसी असुविधा ना
आदि भिड भल लगुच कैंडली भिड को लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ चैनल को यहीपरी सार कंटेन्ट पाइबा आपड़ टेलीग्राम चैनल जॉइन कर जानते यार पीडीएफ आप जगह फ्री में आभेलेबुल हो टेलीग्राम चैनल जॉइन करने को आईसीएसटी सर्च करार अच्छे धन्यवाद।